ख्वाब खुली आंखों में पिरोए जाएं या बंद आंखों में सजें, मगर हर शख्स की चाहत होती है कि उसके सभी ख्वाब पूरे हों। लेकिन असल जिंदगी में ख्वाब पूरे होना किसी आसमान को छूते हुए पहाड़ को चढ़ने जैसा है। और ख्वाब अगर क्रिकेट के मैदान से जुड़े हों तो आखिरी गेंद तक दिल काबू में नहीं रहता है। हालांकि ऐसे मैच बहुत कम होते हैं जिनके लिए करोड़ों आंखें टीवी पर नजरें टिकाए बैठी हों, करोड़ों हाथ दुआओं के लिए उठे हों, करोड़ों दिल बस जीत की ख्वाहिश लिए धड़क रहे हों। उन चुनिंदा मैचों में से ही एक मैच के तौर पर याद किया जाता है आज से ठीक 19 साल पहले हुआ 2003 विश्व कप का फाइनल। वो फाइनल जहाँ तक पहुँचने के लिए गांगुली की टीम से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो फाइनल जिसने भारत के उखड़ते हुए हौसले के बावजूद लड़ने की काबिलियत से रूबरू कराया था। वो फाइनल जिसमें मिली हार ने भारतीय क्रिकेट का नक्शा पलट कर रख दिया। तो चलिए फिर नारा टीवी की खास श्रृंखला रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 के यादगार सफर के इस आखिरी एपिसोड में आपके दिमाग के किसी कोने में छिपे 2003 फाइनल मैच के हर उस खास लम्हे को दोहराते हैं जिसका जिक्र आने पर आज भी हर हिंदुस्तानी के शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। दोस्तों आज 2003 विश्व कप को जहां साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान समेत कई बड़ी टीमों के खराब खेल और जिम्बाब्वे, केन्या जैसी कमजोर टीमों के लाजवाब खेल के लिए याद किया जाता है, तो दूसरी तरफ ये विश्व कप भारत की जबरदस्त वापसी के लिए भी याद किया जाता है। क्योंकि जब अपने पहले मैच में कमजोर हॉलैंड टीम से लड़खड़ाते हुए जीत हासिल करने के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध करारी हार मिली तब पूरा भारत अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ गुस्से से भर गया था। लेकिन भारतीय क्रिकेटरों ने हर सवाल का जवाब फील्ड पर अपने प्रदर्शन से दिया और उसके बाद लगातार 8 मैच जीत कर इतिहास रचते हुए सीधे फाइनल में प्रवेश किया। भारत के इस करिश्माई और जादुई सफर में चाहे सचिन तेंदुलकर हों, वीरेंद्र सहवाग हों, राहुल द्रविड़ हों, युवराज सिंह हों या श्रीनाथ जहीर नेहरा की तिकड़ी हो, हर डिपार्टमेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने लाजवाब खेल से समा बांध दिया। इस आश्चर्यजनक खेल की वजह ही थी कि जिस गांगुली को फूका हुआ कारतूस बताकर दुनिया मजाक उड़ा रही थी उस सौरव गांगुली को ही फाइनल मैच से पहले 2003 विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ कप्तान मान लिया गया था। उस सौरव गांगुली के ही 3 शतकों की तारीफ करते मीडिया थक नहीं रही थी। उस सौरव गांगुली पर ही दारोमदार था 20 साल बाद विश्व कप ट्रॉफी भारत वापस लाने का। लेकिन गांगुली भी जानते थे कि ये काम सुनने में जितना शानदार लग रहा था करने में उतना ही कठिन होने वाला था, क्योंकि फाइनल में भारत के सामने थी विश्व कप 2003 में एक भी मैच न हारने वाली अजेय ऑस्ट्रेलिया। उस ऑस्ट्रेलियाई टीम की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्टीव वॉ, शेन वार्न और जेसन गिलेस्पी जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ऑस्ट्रेलिया को 2003 विश्व कप में कभी महसूस ही नहीं हुई। साथ ही उस विश्व कप में हर मोड़ पर ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच, अटैकिंग और एटीट्यूड पॉजिटिव था। यही नजारा तब देखने को मिला जब फाइनल से कुछ घंटे पहले भारतीय टीम मैदान पर जमकर पसीना बह रही थी और एंड्रू साइमन समेत ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी मैदान में ऐसे घूम रहे थे जैसे मानो कल कुछ है ही नहीं। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो ये वो लम्हा था जिसने भारतीय खिलाड़ियों को सोच में डाल दिया था। वो सोच जो एक बुरे ख्वाब की नींव थी। लेकिन आज से ठीक 19 साल पहले 23 मार्च 2003 को जोहान्सबर्ग में मौजूद करीब 32,000 दर्शक और करोड़ों भारतीय फैंस इस बुरे सपने संजान इतिहास बनते देखने का इंतजार लिए करीब 1:30 बजे ही टीवी और रेडियो से जुड़ गए थे। मैच पर बारिश का छाया था लेकिन मैच के रोज तय वक्त पर दोनों कप्तान टॉस के लिए बाहर आए और सिक्का गांगुली के पक्ष में गिरा, मगर गांगुली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल दिया। क्योंकि विश्व कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर कोई भी टीम दबाव से भरे लक्ष्य का पीछा नहीं करना चाहती है, लेकिन गांगुली ने उस रोज दबाव से ज्यादा बारिश के फैक्टर को अहमियत दी, इस उम्मीद के साथ कि लक्ष्य का पीछा करते समय भारत बेहतर स्थिति में रहेगा और साथ ही पहले गेंदबाजी करते वक्त गेंदबाजों को पिच से फायदा भी मिलेगा। इसलिए जब एडम ग्लेगस्ट और मैथ्यू हेडन के सलामी जोड़ी को तोड़ने के लिए जहीर खान को पहला ओवर दिया गया तो फैंस को उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज पहली गेंद से ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे। लेकिन जहीर के पहले ओवर के बाद तस्वीर कुछ और थी, क्योंकि जहीर ने 10 गेंदों के पहले ओवर में 15 रन दिए जबकि भारतीय फील्डर गिलक्रिस्ट पर जुबानी हमले कर रहे थे। जहीर की ढीली लाइन लेंथ और गिलक्रिस्ट के साथ हुई बातचीत ने भारत की छटपटाहट जाहिर कर दी। ऑस्ट्रेलिया खेमे को संदेश मिल गया कि भारतीय टीम दबाव महसूस कर रही है। फिर क्या था, गिलक्रिस्ट भूखे शेर की तरह भारतीय तेज गेंदबाजों पर टूट पड़े। गिलक्रिस्ट ने श्रीनाथ को तो लाइन लेंथ पकड़ने ही नहीं दिया। इस अटैक का नतीजा यह रहा कि गांगुली को 10वें ओवर में ही हरभजन सिंह को गेंद देनी पड़ी, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज पहले 9 ओवरों में ही 74 रन लुटा चुके थे। हालांकि गांगुली का यह पैतरा काम कर गया और हरभजन सिंह ने पहले गिलक्रिस्ट को सहवाग के हाथों कैच आउट कराया। फिर संभल कर खेल रहे हेडन भी हरभजन की गेंद पर विकेट के पीछे राहुल द्रविड़ को कैच दे बैठे। यहां करीब 20 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन नजर आ रहा था। पिछले कुछ ओवर भारतीय गेंदबाजों के लिए अच्छे रहे थे और भारत मैच में वापसी करते हुए दिख रहा था, लेकिन तभी एंट्री हुई रिकी पॉइंटिंग और डेविन मार्टिन की। दोनों ने पहले कुछ ओवर रुक कर खेले
गए और जब आंखें जम गई तो स्ट्रोक लगाने शुरू किए। खासकर रिकी पॉन्टिंग ने जिस अथॉरिटी के साथ बल्लेबाजी की वो आज भी एक मिसाल है। अगले 30 ओवर ऑस्ट्रेलिया का एक भी विकेट नहीं गिरा। पॉन्टिंग और मार्टिन ने मैदान के हर कोने में रन बनाते हुए 50 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 359 रनों तक पहुंचा दिया, जिसने रिकी पॉन्टिंग के सबसे ज्यादा प्रभावी 140 रन थे। पॉन्टिंग के अलावा मार्टिन ने 88, गिलक्रिस्ट ने 57 और हेडन ने 37 रन बनाए, जबकि बचे 37 रन भारतीय गेंदबाजों ने एक्स्ट्राज के रूप में दिए। इस तरह भारत को विश्व कप ट्रॉफी उठाने के लिए 360 रनों का लक्ष्य मिला, जो कि फाइनल का दबाव और ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग यूनिट को देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने और खास तौर पर सचिन तेंदुलकर ने इस विश्व कप में जिस तरह की फॉर्म दिखाई थी, उसे देखते हुए जोहान्सबर्ग के वांडरर्स में मौजूद दर्शकों को सचिन से रिकी पॉन्टिंग के अंदाज वाली पारी की उम्मीद थी और भारत की ओर से जबरदस्त फाइटबैक की चाहत थी। लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने के चक्कर में तेंदुलकर मैग्रॉथ को उन्हीं की गेंद पर कैच देकर आउट हो गए। सचिन के विकेट के साथ करोड़ों टूटे हुए दिलों को कप्तान गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने 53 रनों की साझेदारी के दम पर कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन पहले ब्रेटली ने गांगुली और फिर मैग्रॉथ ने कैफ के विकेट को लेकर भारत को गहरे संकट में डाल दिया, क्योंकि अभी तक सिर्फ 10 ओवर हुए थे और भारत ने 3 जरूरी विकेट खो दिए थे। ऐसे में आगे का सफर बहुत मुश्किल था। हालांकि यहां से द्रविड़ ने सहवाग के साथ मिलकर 83 गेंदों में 88 रनों की तेज साझेदारी की। खासकर इस साझेदारी में सहवाग ने जिस आतशी अंदाज से रन बनाए, उसके बाद करिश्मे की उम्मीद बन रही थी। लेकिन जैसे ही 24वें ओवर में सहवाग 147 के स्कोर पर 82 रन बनाकर रनआउट हुए, वैसे ही भारत की हार साफ हो गई थी। रही सही कसर एंडी बिकल ने द्रविड़ को 47 रन के स्कोर पर आउट करके पूरी कर दी और फिर कुछ ओवर बाद ही पूरी भारतीय टीम 234 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत विश्व कप 2003 का फाइनल हार चुका था। करोड़ों दिल टूट चुके थे, आंखें फट पड़ने को तैयार थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खुशी थी। खुशी सचिन के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने की, खुशी गांगुली की कप्तानी और स्ट्रेटेजी की विश्व भर में तारीफ होने की, खुशी विश्व क्रिकेट में भारत की खोई हुई साख के वापस लौटने की, वो साख जिसने आने वाली पीढ़ी को इतिहास रचने के लिए प्रेरित किया, वो प्रेरणा जिसने 2003 विश्व कप फाइनल में खराब ओवर डालने वाले जहीर खान को 2011 विश्व कप फाइनल में जबरदस्त ओपनिंग स्पेल करने का हौसला दिया, वो हौसला जो आज भारतीय क्रिकेट फैंस को कई कुर्बानियों के बाद मिला है। सीधे सीधे कहें तो 2003 विश्व कप फाइनल की हार ने करोड़ों दिल भले ही तोड़े थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट से जुड़े हर शख्स के हौसलों को चट्टानों जैसा मजबूत भी किया था। तो दोस्तों, इस तरह भारत के एक शानदार सफर के अंत के साथ ही नारा टीवी की खास श्रृंखला रिवाइंड वर्ल्ड कप 2003 भी समाप्त होती है। इस श्रृंखला को आपने जो प्यार दिया, उसे लफ्जों में बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। बाकी आप इस एपिसोड को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी मेहनत साझा करें। इसके अलावा इस सीरीज पर अपनी राय भी दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगली रिवाइंड सीरीज आप भारत के 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक के सफर पर देखना चाहेंगे या भारत की 2010 एशिया कप की ऐतिहासिक जीत पर। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।